हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। देखो, लास्ट डे संडे 18th है ना, जो मैच था अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, वो वाला देख के हम थोड़ा सा एनालिसिस क्या है वो एनालिसिस हम बताना चाहते हैं। मेरा एनालिसिस, मेरा ओपिनियन हम बताना चाहते हैं। कौन सा वाला एनालिसिस? वीडियो को थोड़ा सा देखो, समझ में आ जाएगा। देखो, जो फर्स्ट हाफ था वो मैंने नहीं देखा था, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद स्कोर लाइन क्या था? 2-0 था, है ना? सबको पता है, हर किसी ने देखे हो, आई थिंक 2-0 था। तो सेकेंड हाफ जब चालू हुआ, अराउंड 17th मिनट्स तक, मतलब और 20 मिनट्स बचा हुआ था सेकेंड हाफ से, मैंने देखना चालू किया था। तो 70 मिनट्स के बाद 20 मिनट्स बचा हुआ था वहां पे, तब भी 2-0 से अर्जेंटीना आगे थे, है ना? तो हर किसी ने, मतलब 90% लोगों ने ऐसा सोचा था कि अर्जेंटीना ही जीतेगा, अर्जेंटीना ही, मतलब पूरा का पूरा ये 2-0 ही स्कोर लाइन रहेगा। उन लोगों का कोच भी शायद यही सोचा था, इसलिए डी मारिया जो था स्ट्राइकर जो था उनका, उसको भी मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो फिर ऐसा वाले सिचुएशन में 70 मिनट से जो 83 मिनट्स के बीच में जो फुटबॉल देखे है मैंने, ये तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय फ्रांस। स्पीड क्या था, मतलब जैसा स्पीड था वैसा स्किल था, वो जो 10-12 मिनट्स का जो सेशन देखा मैंने, मतलब ऑसम। तो ये वाले सेशन देख के मतलब मेरा दिमाग में एक बात आया, मतलब पूरा का पूरा देखा फिर, लेकिन वो वाला जो 10 मिनट्स देखा मैंने, बहुत सारे फुटबॉल मैच देखे हैं, बहुत सारे फाइनल्स देखे, मतलब हर एक कोई भी फुटबॉल फाइनल्स, मतलब जब से मेरा नॉलेज हुआ फुटबॉल के बारे में, तो तब से आज तक मैंने कोई भी फुटबॉल फाइनल्स नहीं छोड़े, हर एक फुटबॉल फाइनल्स देखे। लेकिन ये जो 10-12 मिनट्स का जो गैपिंग में जो स्पीड देखा ना, ये वाला स्पीड हम बता नहीं सकते। और वो जो किलियन एम्बेपे, हर को पता है ना, हर किसी को पता है, 23 साल का लड़का, 23 years of age, और उसका जो जुनून था, उसका जो मतलब एक था अंदर से आ रहा था कि नहीं, हम जीतने नहीं देंगे, हम खेल के लड़ के लेंगे। वो जो है, मतलब जब पेनाल्टी हुआ, जब पेनाल्टी सडनली आ गया, पेनाल्टी में गोल करने के बाद सडनली एकदम वो पूरा का पूरा बॉल लेके एकदम सेंटर में चला गया, सेलिब्रेट भी नहीं किया अपना, क्योंकि उसको पता था कि टाइम बहुत कम है और हमको करना क्या है, एक और गोल करना है, करने के बाद पूरा का पूरा मैच में वापस आना है। एंड फिर भी उन्होंने जो उसी स्पीड को बरकरार रखा, पूरा का पूरा टीम ने बरकरार रखा, और रखने के बाद अचीव किया, एंड 2-2 सडनली, हार्ट ब्रोकन ऑफ एवरी अर्जेंटाइन्स फैंस, एवरी अर्जेंटाइन्स, मतलब ऐसा कोई नहीं था जिसका हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी जितना सारा सपोर्टर्स है, ब्राजील का भी जितना सारा सपोर्टर्स है, मेसी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा उसका मतलब अवदान है इस मतलब पूरा फुटबॉल इंडस्ट्री या फिर फीफा वर्ल्ड कप में, मतलब फुटबॉल में ही पूरा इस जनरेशन में, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसका भी है, मतलब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करना मतलब एक गधे जैसा काम होता है। अगर मतलब जो स्टूडेंट्स बोलो या फिर जितना भी लोग बोलो, अगर जो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन कर देना, मतलब हम तो यही बताते हैं हमेशा कि ये दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है, दोनों ही लेजेंड्स है, दोनों ही मतलब ऐसा गेम खेलते हैं कि किसी को मतलब उस जगह पे पहुंचना, उस टाइप का, उस लेवल में जाके खेलना एकदम अलग बात है, एकदम अलग बात है। तो हर किसी ने चाह रहा था कि मेसी को ये जीतना चाहिए, लेकिन उसी वक्त वो जो किलियन एम्बापे ने जो खेल दिखाया, उससे तो एक बात मेरे को क्लियर हो गया, अगर लाइफ में तुम कुछ चीजें चाहते हो, इतना बुरी तरीका से चाहते हो, और अगर तुम स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हो, तो तुम जरूर वो हासिल कर सकते हो। हो सकता है कि तुम्हारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो तुमको पता नहीं है, हो सकता है फाइनल रिजल्ट उसके फेवर में नहीं गया, किलियन एम्बापे के फेवर में नहीं गया, मेसी के फेवर में गया, बट वो जो फाइट बैक दिया, इससे वो मतलब पूरा जो दुनिया था, पूरा दुनिया को हिला डाल, है कि नहीं बोलो, तुम लोग भी मानते हो कि नहीं मानते हो, मतलब पूरा दुनिया को हिला डाला, मतलब क्या स्पीड था। अगर वो रिकैप देख रहे हो ना, रिकैप भी दिखाएगा एक दो दिन बाद देखना, मतलब हर टाइम रिकैप दिखाएगा, तो फिर उस रिकैप में देखना तुम लोग कभी भी ये 70 से 83, मतलब ये 97 मिनट्स के अंदर दो गोल करना एक वर्ल्ड कप फाइनल में, और फिर सेम चीज हुआ वो सेकेंड हाफ में भी, मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम में था वहां पे भी 110 मिनट्स में ये लोग एक गोल कर दिया था, उसके बाद 10 मिनट बचा हुआ था, लेकिन फिर भी वहां पे किलियन एम्बापे ने एक पेनल्टी शॉट लिया और फिर उसमें भी गोल आए,
एंड हैट्रिक इन फाइनल, मतलब ये तो एकदम, मतलब क्या बताए क्या बताए। तो इससे ही कंक्लूजन यही आता है, अगर कुछ चीजों को तुम मतलब मन से चाहते हो कि नहीं यार ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, किसी भी हद में चाहिए, हम तो मतलब लड़ के लेंगे, और तुमको दुनिया से फाइट करना है, कुछ भी लेना है ना तो फाइट करके लेना है, तो फाइट करो। कैसे? विथ योर स्पीड, स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, देखना बाकी सबके सब पीछे चला जाएगा। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, वो जो क्लियर में भी था रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहा था, वो बस यही सोच रहा था कि हम किसी भी तरह ये दोनों को इक्वल करना है, टू टू करना है। और वो जो स्पीड दिखाया, वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, वो जो मतलब क्या दिखाए, वो तो मतलब मेरे समझ का बाहर है, मेरे समझ के बाहर है। मतलब बेस्ट फुटबॉल आई हैव एवर सीन, वो जो लास्ट, वो जो 70 से 83 मिनट्स का जो गैपिंग का, जो 10 टू 13 मिनट्स का जो मैच था, और फ्रांस का स्पीड जो था वो एकदम अलग लेवल का था, अलग लेवल का स्पीड था। तो यहां से ही हम कंक्लूजन करना चाहते हैं, अगर कुछ चीजों को हासिल करना हो तो मन लगा दो और उसके साथ अपना स्पीड भी अप कर दो, तो देखना डिजायर्ड रिजल्ट आए ना आए, तुम बहुत आगे पहुंचोगे। इस कल का मैच के बाद एम्बैपे तो मतलब अलग लेवल पे तो वो खेलता ही है, लेकिन वो अलग लेवल पे चला जाएगा, लोगों का रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा उसके ऊपर। एक 23 साल का लड़का इतना बड़ा जुनून लेके, वो मतलब ऐसा नहीं कि वो छोड़ दे रहा है, नहीं ये मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है उनको लेने दो, ऐसा नहीं किया उन्होंने, मतलब पूरी टीम ने ऐसा नहीं किया, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्माइल तो उसका ही हुआ जिसका होना था, है ना। तो जितना भी बच्चे का हार्ट ब्रोकन हुआ है, जितना भी स्टूडेंट्स का हार्ट ब्रोकन हुआ है, बेटा हार्ट ब्रोकन इसलिए मत रहो, मेसी तुम्हारा घर का बंदा नहीं है, मेसी या फिर एम्बैपे तुम्हारा घर का बंदा नहीं है, रोनाल्डो बहुत पहले चला गया, नेमार बहुत पहले चला गया, ये सब मेरा घर का बंदा नहीं है, मेरे को आके हेल्प भी नहीं करेगा। हम लोग क्या करते हैं, वो सब अपने अपने लेवल पे एस्टेब्लिश हो गया है, और तुम लोगों को इन लोगों को देख के आगे चलना है। लेकिन क्या देखे इनमें, क्या देखे, क्या देख के आगे चले, वही हम बता रहे हैं बेटा। डिजायर्ड रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है, तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट में फोकस नहीं करना है, फोकस कहां पे करना है, तुम में फोकस करना है। यू हैव द कैपेबिलिटी, यू कैन डू इट, बट फोकस ऑन योर सेल्फ, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। हो सकता है कि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसके बहुत करीब पहुंच जाओगे, बहुत करीब पहुंच जाओगे, है ना। चलो टेक केयर, बाय।